नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों, आज हम घर पे उपलब्ध सामान से एक बहुत ही टेस्टी वाली बढ़िया सी सब्जी बनाने वाले हैं। ये सब्जी हम बनाएंगे दही से और आलू से। दही और आलू हर घर में उपलब्ध रहता है और इससे इतनी मज़ेदार सब्जी बनती है, इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त आता है। एक स्पेशल वाली हम इसके लिए ग्रेवी बनाएंगे। झटपट से बनने वाली ये सब्जी है, तो एक बार तो इसको ट्राई करना बनता है। तो रेसिपी शुरू करें उससे पहले, अगर आप सभी ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। सब्जी बनाने के लिए हमने 1 चम्मच तेल ले लिया है। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया। अब इसमें डाल दिया है 1/2 चम्मच जीरा। जैसे ही जीरा चटक जाएगा इसमें डाल देंगे 1 बड़ा प्याज कटा हुआ। साथ ही साथ इसमें हमने कुछ कलियां लहसुन की और थोड़ा सा अदरक भी काट लिया है। अब प्याज को हमें भूनना है अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताऊँ, जब भी आपको मलाई या दही की सब्जी बनानी हो, आप सब्जी में तेल थोड़ा सा कम ही रखें, क्योंकि मलाई और दही दोनों ही अपना फैट रिलीज करते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको शुरू में तेल लेने की ज़रूरत नहीं है। प्याज देखिए भुननी शुरू हो गई है, तेल इसमें से सेपरेट होने लग गया है। अब इसमें कुछ हम अपने सूखे पाउडर मसाले डाल देंगे। सबसे पहले हमने डाल दी है 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच सूखा धनिया पाउडर। ये मिर्च बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है, अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप मिर्च की मात्रा बढ़ा सकते हैं, या फिर लाल की जगह आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। सभी मसालों को 1 मिनट तक हमने भून लिया है। और अब इसमें ये डाल दी है 1 चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी तो वैसे भी आप सभी को पता ही है, हर सब्जी की जान होती है, एक तरह से टेस्ट बहुत बढ़ा देती है। मसालों को भूनने के बाद अब इसमें हमने डाल दिए हैं 2 टमाटर बिल्कुल बारीक पीस के, और इसके साथ के साथ हमने ये 1/2 कटोरी दही फेंट के ले लिया है। दही को टमाटर के साथ डालने का एक रीज़न है। हमने दही को टमाटर के साथ इसीलिए डाला है कि टमाटर जब इस तड़के में गया तो वो ठंडा था बिल्कुल, और साथ के साथ हमने इसमें दही भी डाल दिया, तो दही के फटने के जो चांसेज होते हैं वो बिल्कुल कम हो जाते हैं। अगर आपने गरम गरम मसाले में दही डाल दिया तो ये फट जाएगा, और फिर देखने में भी सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है, खाने में भी अच्छी नहीं लगती है। अब दही टमाटर को हमें लगातार चलाते हुए तब तक पकाना है जब तक कि इसमें अच्छा सा उबाल ना आ जाए। ये 1 चम्मच मैंने इसमें सब्जी का मसाला डाल दिया है। अब कोई भी मसाला सब्जी का जो आप यूज करते हैं ले सकते हैं, नहीं तो आप इसकी जगह 1/2 चम्मच गरम मसाला भी डाल सकते हैं, या फिर चाहें तो कोई पनीर का मसाला भी डाल लें। और ये देखिए उबाल आ गया है। अब आप देख सकते हैं हमारा दही बिल्कुल फटा नहीं है। अब लास्ट में हमने इसमें ये डाल दिया है स्वाद के अनुसार नमक। और थोड़ी सी चीनी। चीनी हमने सब्जी का जो खटास है उसको बैलेंस करने के लिए डाली है। कई बार ऐसा होता है कि टमाटर और दही दोनों ही चीज़ें सब्जी में डालने की वजह से सब्जी थोड़ी सी खट्टी हो जाती है, तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप दही या दही में गुड़ या चीनी थोड़ी सी डाल सकते हैं। दही की सब्जी बनाने के लिए आप दही बिल्कुल फ्रेश ही लें। और अभी आप देखिए दही ने अपना फैट छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। जैसे जैसे ये पकता जाएगा बहुत बढ़िया मसाला बनके तैयार होगा। ये क्विक बनने वाली सब्जी है, 5-6 मिनट में ही बनके तैयार हो जाती है। अगर आपने आलू उबाल के रखे हैं तो इसको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और अब इसमें हमने ये 3 आलू उबले हुए थे हमारे पास, ये काट के डाल दिए हैं। आप चाहें तो आलू को थोड़ा सा उबालने के बाद हल्का सा फ्राई कर सकते हैं, इससे ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। और अब देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी सब्जी का लुक आ गया है। दो मिनट तक हम इसे
ढक के पकाएंगे, जिससे कि आलू के अंदर सारे मसालों का फ्लेवर बढ़िया तरीके से आ जाए, क्योंकि आलू भी बिल्कुल फीके नहीं लगने चाहिए ना। वैसे आलू को उबालते वक्त हमने उसमें नमक भी डाल दिया था। जब घर पे कोई सब्जी ना हो तो इस तरह की सब्जी आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आलू प्याज वगैरह ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे पास स्टोर रहती ही हैं। ये आधा गिलास हमने इसमें पानी डाल दिया है। सब्जी की कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग गाढ़ी पतली रख सकते हैं। आप किस चीज़ के लिए साथ सब्जी खा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसको गाढ़ा या पतला रख लें। अब इसे ढक के पकाएंगे हम कम से कम 2-3 मिनट के लिए, और देखिए 2-3 मिनट बाद सब्जी हमारी बिल्कुल बनके बढ़िया से तैयार हो गई है। आलू के साथ मसालों का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ गया है। आलू हमने पहले ही उबाल के रखे हुए थे, मसाला भी हमने तैयार कर लिया था, और फटाफट बनने वाली हमारी ज़बरदस्त सी दही आलू की सब्जी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। देखिए कितना अच्छा लुक आया हुआ है सब्जी का, ये देखिए लग रही है ना बिल्कुल ज़बरदस्त सी। आपकी भी सब्जी ऐसे ही बनेगी अगर आपने छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा। एक तो आप दही बिल्कुल भी खट्टा ना लें, फ्रेश दही लेने की कोशिश करें। एक जब भी आप दही डालें तो उसको टमाटर के साथ ही डालें, या फिर टमाटर पकाने के बाद अगर आप डालना चाहते हैं तो थोड़ी देर के लिए आप गैस को बंद करके मसालों को थोड़ा सा ठंडा होने दें। गरम गरम मसाले में अगर आपने दही डाल दिया तो सारी सब्जी का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है। सब्जी हमारी बनके तैयार हो गई है, अब गर्मा गर्म हम इसे सर्व करेंगे। है ना बिल्कुल ज़बरदस्त सी सब्जी। आई होप आप सबको आज की हमारी ये दही आलू की सब्जी की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।